ये मेरा 15 साल का सफ़र रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सफ करते करते, ऐसे वेदर फोरकास्टर, तो ये सफ़र बहुत एडवेंचरस रहा है, दिलचस्प रहा है और खुशगवार रहा है। और मौसम को देखते देखते मुझे ये पता नहीं चला, मौसम को देखो, बादल को या हवा को देखते देखते ये 15 साल का कैसे सफ़र कैसा रहा, मुझे इतना लोगों का प्यार मोहब्बत मिले पता भी नहीं चला। तो टुडे आज जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे अपने आप को एक आई एम लिविंग एस ए सेटिस्फाइड, मतलब फुलफिलिंग एंड फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड प्रोफेशनल की तरफ, तो मैं एक वुमेन ऑफिशियल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि इन 15 साल में मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आई वॉज एबल टू मेक पीपल वेदर कॉन्शियस। आज कोई भी जम्मू कश्मीर के लोग है या लद्दाख के लोग है, वेदर को अपने डे टू डे ज़िंदगी में एक क्रिटिकल फैक्टर मान के, वेदर को एक इनपुट, क्रिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट मान के चलते हैं। सुबह उठते ही मौसम को ज़रूर चेक करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो हमें पूछे, कहीं से कहीं मतलब दिमाग में है, तो बहुत ही जो कि अच्छी बात है। तो 15 साल में यहाँ के लोग आपको, कश्मीर के लोग कैसे लगे आपको? मुझे तो जी मिजाज कैसे लगा? लोगों का बहुत मुझे अच्छा मिजाज लगा है, बहुत हेल्पिंग नेचर का, आपको पता है, चाहे वो कोई बड़े से बड़े ऑफिसर से लेके मतलब एक मतलब कोई बिजनेसमैन से लेके मतलब कोई यू नो सोसाइटी के हर तबके के लोग बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको सच्चाई तो ये भी है, हमने भी अपनी तरफ से कोई जो हमें ड्यूटी असाइन किए गए उसमें कोई उसको अच्छी तरह निभाया, तो उसमें कोई कसर ह्यूमनली जहाँ तक पॉसिबल है हमने पूरा अपना ड्यूटी निभाया, तो इसीलिए तो जैसे अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। जाते जाते क्या मैसेज देना? जाते जाते जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत दिया है, जैसे ऐसा अच्छा जैसे पैराडाइज ऑन अर्थ बोलते हैं कश्मीर को, तो आप लोग बिल्कुल आराम से लोगों के साथ जिस आप लोगों ने मुझे प्यार रिस्पेक्ट दिया है मैं भी देता हूँ, तो आराम से बैठिए। आप लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट विशेस एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सर का पिछले हफ्ते जो है ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से, और पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा माहौल इन्होंने बनाया था कि किसी भी काम को जो है आपको बिल्कुल विद इन नो टाइम आपको करना है, और फोरकास्ट बिल्कुल उनका काफ़ी अच्छा रहता था। इसी तरह ऑब्जर्वेशन हो, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, सारी चीज़ों में जो है सर का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, और उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे उसी इंथ्यूज़म और झील के साथ, और जिम्मेवारी भी काफ़ी ज़्यादा है, उसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू करेंगे, और एक बेटर वेदर फोकस सर्विसेज फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एडमिनिस्ट्रेशन को हम देने की कोशिश करेंगे जितना हमारे से पॉसिबल हो सकता है। बाकी सर जो है नया मेड सेंटर ले जो खोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वहाँ पे लीड करेंगे, और बिल्कुल वहाँ पे भी वो वेदर सर्विसेज हो या ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट हो, बाकी चीज़ें जो भी हो वो बिल्कुल हमारी तरफ से हमारी हमेशा सर के सपोर्ट रहेगा, और एक अच्छा लाइफ और हेल्दी लाइफ की हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। थैंक यू।